नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से महाराष्ट्र का जो राजनीतिक पारा है काफ़ी हाई है। वहां पे सियासी संकट चल रहा है और राजनीति में ज़बरदस्त उथल पुथल चल रही है। लेकिन इस उथल पुथल में जिस शख्स का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वे है एकनाथ शिंदे। ठाणे की कोपरी छपाखाड़ी विधानसभा सीट से विधायक और मौजूदा सरकार में नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिंदे की ठाणे में जबरदस्त पकड़ है। एकनाथ एक नाम ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी पार्टी है। ठाणे की जनता उन्हें शिवसेना के संस्थापक के रूप में जानती है, वो रूप जो वो आनंद चिंतामणि दिघे के रूप में देखते थे। यही वजह है कि लोग आंख बंद करके उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ खड़े हैं आज इस हालात में। और एकनाथ शिंदे के पीछे न सिर्फ ठाणे की जनता है, बल्कि दो तिहाई से ज़्यादा शिवसेना के 40 विधायक भी हैं। ये सबसे बड़ी बात है। शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावती सुर क्या बुलंद किए, पूरे ठाणे जिले में उनके समर्थन में बैनर और पोस्टर लग गए। इन पोस्टर्स में बाला साहब ठाकरे तो थे, लेकिन शिवसेना प्रमुख जो इस समय मौजूदा शिवसेना प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनकी तस्वीर गायब है। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे एकनाथ शिंदे को कितना प्यार किया जाता है और जो शिवसेना के मौजूदा प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उसको किस तरीके से वहाँ के लोग नकार रहे हैं। शिंदे का बचपन ठाणे के किशन नगर बागले स्टेट 16 नंबर में बीता। आज वहाँ उनका एक फ्लैट भी है, इसमें वो अपने माता पिता और तीन भाई बहनों के साथ रहते हैं। और एकनाथ शुरू से ही लोगों के लिए खड़े होते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे। और एक बार उनके इलाके में पानी की बड़ी समस्या हो गई थी। दरअसल महिलाओं को पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए शिंदे ने एक दिन अपने एक दोस्त के कहा, उसे सलाह ली कि वो क्या करे ताकि ये समस्या का हल हो जाए। तो दोस्त ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में उतर जाओ। शुरू में तो शिंदे थोड़ा सा सोच में पड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने आरएसएस शाखा से अपना जुड़ाव कर लिया। ठाणे में शिंदे का कद कुछ ऐसा है कि शिवसेना का मूल कैडर यानी हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी उनके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि शिंदे के नाम पर दोनों समुदायों के लोगों ने उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को चुन करके लोकसभा में भेजा है। एकनाथ के पीए रह चुके इम्तियाज शेख का तो ये कहना है कि शिवसेना से जुड़ने से पहले शिंदे आरएसएस शाखा प्रमुख थे और ऑटो चलाते थे। आनंद दिघे एक दिन उनके इलाके में आते हैं और उन्होंने लोगों से पूछा कि वो अपने पार्षद यानी कि नगर सेवक के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इस पर इम्तियाज समेत कई मुसलमानों ने एक सुर में ये कहा कि उनके पार्षद एकनाथ शिंदे होना चाहिए। इसके बाद शिंदे की राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाती है। शिंदे आज भले ही सीएम के पद पे जाने की दौड़ में हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत कमज़ोर थी। उनके पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और माँ घरों में काम करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद भी शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहे। और आज से 22 साल पहले उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया जिन्होंने जिस हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। यूँ कहिए कि वो एकदम से सदमे में चले गए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय भी ले लिया था। सतारा में हुए एक नाव एक्सीडेंट में उनकी आंखों के सामने उनके बेटे दिवेश और बेटी सुभद्रा की डूबने से मौत हो जाती है। इस मौत के बाद शिंदे इस कदर टूट जाते हैं कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। बच्चों की मौत के बाद एकनाथ ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। फिर उनके राजनीतिक गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे ही उन्हें वापस राजनीति में लेके आते हैं। परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने के साथ साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि काम ज़्यादा आ गया और मजदूर नहीं होते थे, ऐसे में शिंदे खुद बतौर लेबर काम करते थे
वो अपने हाथों से मछलियां साफ करते थे। आप देखिए उनका बचपन कैसा रहा होगा। पर एकनाथ शिंदे की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी आवाज़ चली जाती है। लगभग 2 सप्ताह तक उनकी आवाज़ गायब रही। ये वक्त था 2014 के लोकसभा चुनाव का। शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रचार किया माइक पर इतना बोले कि उनकी आवाज़ ही चली गई। हालांकि डॉक्टर्स के प्रयास से उसे फिर से वापस लाया गया। इसके बावजूद वे शिवसेना के लिए लड़ते रहे और आज उन पर बागी होने का आरोप लगाया जा रहा है। उन पर वे लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी लोगों के बीच नहीं गए, लोगों से नहीं मिलते। एक बार किशन नगर इलाके से गुजरने वाली वाटर पाइपलाइन फट जाती है और इलाके में पानी भर जाता है। नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया जाता है लेकिन वो सही समय पे पहुंच नहीं पाते। ये जानकारी एकनाथ शिंदे को मिलती है और वो मौके पे जाते हैं और वो पानी में कूद जाते हैं। निगम के कर्मचारी आते हैं बाद में लेकिन उन्होंने समस्या का समाधान पहले ही कर दिया। और आज देख लीजिए एकनाथ शिंदे क्या है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत सारा सम्मान भी है, लोगों का बहुत सारा प्यार भी है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्होंने 2019 के जब चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जब अपना घोषणा पत्र अपनी प्रॉपर्टी के बारे में रखा था उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी क्या है। वो इस समय 9 करोड़ से ज़्यादा के फ्लैट और एक बंगले के मालिक हैं। थाने के पास वागले स्टेट की धोत्री चली में 360 स्क्वायर फीट का उनका घर है। ओपी हाउसिंग सोसाइटी के पास 2317 वर्ग फुट में एक आलिशान बंगला है। उनके पास माँ बलेश्वर में 12 एकड़ जमीन है। शिंदे के पास 46 लाख की 7 गाड़ियां हैं और एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है। उनकी पत्नी के पास 30 लाख की एक दुकान है, 2 फ्लैट हैं और 28 लाख की कृषि भूमि है उनके पास। तो आप देखिए कि वो क्या थे और अपनी मेहनत से कितने आगे बढ़ गए, कितने बड़े इंसान हो गए। उनके लिए उनके इलाके में जाकर के देखिए, लोग उन्हें उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। और आज भी जब वो इतने क्राइसिस में हैं, उनके पूरे इलाके में पूरे दीवारें पोस्टरों से भरी हुई हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर नहीं है लेकिन बालाजी ठाकरे की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये है उनका लोगों के लिए प्यार और ये है असली एक शिंदे, एकनाथ शिंदे, जो आज सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं और कभी कभी मुझे गाइड भी करते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।